अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल हेयर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी, इसको लिखा होगा UEP, ठीक है। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। सबसे पहले तो ये जो है अंडर ग्रेजुएट यानी BS की जो न्यू क्लासेस शुरू हुई हैं, ADS की, ADP की, ये उसके बारे में इस टॉपिक में क्या है कि रिवाइज रूल बताए हैं कि क्या ये न्यू पॉलिसी और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, और ये सारी चीज़ें हम आगे बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया था उन्होंने, पहली चीज़ तो ये है कि UEP अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, इसको हम उन्होंने क्या किया, इसके क्रेडिट आवर्स बना दिए, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्रेडिट आवर्स होते हैं, और टोटल जो है जनरल एजुकेशन के कितने हैं, 30 क्रेडिट आवर। वो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेगा जनरल ज़रूर पढ़ेगा, यानी कि इंग्लिश, उर्दू, PS, उर्दू नहीं, इंग्लिश PS टाइप जैसे बच्चे पढ़ते थे, आर्ट्स के सब्जेक्ट हर लाजमी थे, सेम उसी तरह जनरल हो गए। फिर डिसिप्लिनरी यानी कि मेजर, मेजर का दूसरा नाम डिसिप्लिनरी है। इसमें हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कम से कम 78 लाजमी है मेजर के ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 90 लाजमी है। तो ये आपने रट्टा लगा लेना है, और जहाँ लफ्स मेजर लिखा होगा ना, आपने 78 क्रेडिट और लगा देना है, और 26 कोर्स लगा देना है। और जहाँ पे जनरल एजुकेशन लिखा होगा ना, 30 क्रेडिट आ रहा है और 12 कोर्स, यानी 30 और 12 और 78 के साथ 26 आपने कोर्सेज लगा देने। इंटरडिसिप्लिनरी या डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम माइनर आगे लिखा हुआ है, इसके 12 कैडेट आ रहे हैं और 4 कोर्सेज हैं, वो आगे आप देखेंगे। आगे इंटर्नशिप लाजमी करनी है किसी फील्ड में जाके, वो 3 क्रेडिट और कैपस्टन प्रोडक्ट जो है, प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, 3 से 6 दोनों हो सकते हैं, 3 भी है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से इसका है। और फिर उसके बाद एसोसिएट डिग्री का जो है वो डिफरेंट है, वो क्या है, 60 to 73, लेकिन BS के सबसे कम क्रेडिट आर 120 हैं, लेकिन जो ADP है ना उसके कम से कम 60 हैं, उसके 120 इसके 60, हाफ हाफ कर लेना। BS अगर करोगे तो 120 कम से कम, और ADS करोगे तो या ADA करोगे तो 60 कम से कम, यानी 60 का डबल हो गया 120, ये भी आपको याद रखना आसान होगा। और 73 इसके हाइस्ट हैं, यानी कि 60 to 73 क्रेडिट आर डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट डिमांड होती है। आगे क्या है, नॉमेनक्लेचर बताया हुआ है, बैचलर ऑफ स्टडीज़ यानी BS है, क्रेडिट आवर्स कितने हैं, वही मैंने आपको बताया था ना, 120 हैं, 120 कम से कम है BS के, और ज़्यादा से ज़्यादा 144 हैं। वो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे ना, मेजर माइनर को ऐड करें तो खुद खुद इतने बन जाते हैं। एडमिशन क्या होगा, मेजर का फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो जाएगा, और एडवाइजरी सर्विस देंगे जो लोग होंगे, एडमिशन के टाइम पे बताएंगे, गाइडेंस देंगे, ठीक है। करिकुलम कौन करता है, HEC बताता है, और फिफ्थ सेमेस्टर से हम जो है ना वो क्या कह रहे हैं, हम इनको अलाउ भी करेंगे ADS को इधर BS में। अच्छा, इसके अलावा जो है फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जो है ADP को वो उनको जो है अलाउड इन ADP इन सब्जेक्ट हैविंग 60 to 73 के बाद एग्जिट कर सकते हैं, मतलब छोड़ के जाना चाहते हैं छोड़ जाएं, उनको ADP की डिग्री मिलेगी। BS वाले भी, मींस कि BS वाले भी अगर 4 सेमेस्टर के बाद छोड़ दें, उनकी मर्ज़ी। तो ये नहीं है कि आप BS को चिपके हैं तो चिपके रहें, नहीं, अगर आपका दिल करता है 2 साल बाद स्किप करने का, आप स्किप कर दें BS वाले, तो फिर उन्हें डिग्री मिलेगी ADP, तो फिर 60 to 73 क्रेडिट और करके वो छोड़ जाएंगे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, इधर से उठे दूसरे में चले गए, ये भी कर सकते हैं कि अच्छा फील्ड एक्सपीरियंस क्या है, ये मैंडेटरी है, लाजमी तौर पे उन्होंने इंटर्नशिप करनी है कहीं पे भी, जहाँ पे परमिशन मिले वहाँ करेंगे। 6 हफ्ते हैं और 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, 3 क्रेडिट और हैं, 3 क्रेडिट और 4 सेमेस्टर, हफ्ते 6, ये रट्टा लगा लेना है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, लाजमी है। कैपस्टन प्रोडक्ट के 3 to 6 क्रेडिट और हैं और 4 सेमेस्टर हैं, उसके भी 4 सेमेस्टर में चलेगा, इसके भी 4। अच्छा, इसका मतलब ये है 4 सेमेस्टर से ऑन जो है, 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड ये चल रहे हैं, तो जो 4 सेमेस्टर बच गए हैं, 5वां 6ठा 7वां 8वां, उनमें ये हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है कब उन्हें 6 हफ्ते दें, बच्चे की मर्ज़ी है, बारी बारी बच्चों को भेज रहे हैं, कभी एक को, दूसरे को, तीसरे को इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, डबल मेजर जो है उसके क्रेडिट आर बढ़ गए हैं, कम से कम मैंने बताया था ना 120 हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 198 हो गए, इतने सारे हो गए हैं ना। तो अभी डबल मेजर का मतलब ये है कि बच्चा मैथ में भी कर ले BS और स्टैट्स में भी कर ले, अब 2 मेजर उसके पास हैं, अब चाहे तो मैथ में PPSC में लेक्चरशिप में अप्लाई करे या स्टैट्स में करे, ठीक है। अब आगे सेलियंट फीचर जो हैं वो क्या हैं, इसमें ये है कि जनरल एजुकेशन के जो है पहले 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बाद में जनरल एजुकेशन नहीं पढ़नी है, ठीक है, और मेजर जो है 1st सेमेस्टर से ही ऑफ़र होना शुरू हो जाएगा, और
स्टूडेंट जो है वो अपने क्रेडिट और ट्रांसफ़र करा के, यानी उसका दिल कर रहा है बॉटनी छोड़ के मैं केमिस्ट्री चला जाऊँ, तो वो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। पहले 4 सेमेस्टर पढ़ के वो एक प्रोग्राम छोड़ के दूसरे में जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये पॉलिसी नहीं है। फिर डिपार्टमेंट जो होगा एडमिट करने वाला, वो क्राइटेरिया वजह करेगा भाई आप पीछे क्या पढ़ के आए हो, ये आपके कोर्स कमी बेशी है, ये वाले पढ़ लें, ठीक है। तो और उधर से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो डबल मेजर वाला जो है उसमें भी आपको जो है एडमिट इन डिपार्टमेंट जो है वो करेगा, मतलब जो सेकंड आपने सिलेक्ट किया उसके कोई कोर्स में कमी बेशी रह गई है तो वो भी आपको डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके 2-3 ये कोर्स इजाफी पड़े क्योंकि अभी आपकी कमी है। तो ये भी हो गया, ठीक है, डेफिशिएंसी कमी बेशी वो पूरी करेगी। अच्छा, अब क्या है ये उन्होंने बताया, 30 को उन्होंने डिवाइड किया, 30 को मैंने ये देखा था मैक्सिमम के 2 है ना, आर्ट्स के भी 2 हो गए, अच्छा फिर सोशल साइंस के 2 और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के 2, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के 2, एंटरप्रेन्योर के 2, सिविक्स एंड कम्युनिटी के एंगेजमेंट के 2, ये सारे 2-2 हैं, सिर्फ 2 जो है ना वो 3 हैं, एक फंक्शनल इंग्लिश और एक्सप्लोरेटरी इंग्लिश, यानी इंग्लिश के 3-3 हैं, बाकी सारों के मैक्सिमम 2-2 आ रहे हैं। अब इसके अलावा नेचुरल साइंस, क्योंकि साइंस भी इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर, इसके 3-3 आ गए, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी 3-3 आ गए। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथ जो है ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली मैथमेटिक्स टाइप का, ये आएगा 6, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि मैक्सिमम के 2 हैं, एक साइंस के और इंग्लिश के 3-3 करके आ रहे हैं, और 6 जो हैं वो मैथ के आ रहे हैं। तो इस तरह से आ गया। अब ये आपने ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कम से कम 120, फिर 132, फिर 144, 198, कम से कम BS, छोटा BS कैसे होगा जब सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, एक मेजर लेके पढ़ लेंगे, ठीक है, तो 1 मेजर होगा। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 मेजर 1 माइनर, अच्छा 1 मेजर 2 माइनर, दोनों मेजर, ये 4 ऑप्शन हैं कि आपकी मर्ज़ी है, एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ें या एक माइनर भी पढ़ लें, क्रेडिट आर थोड़े से बढ़ जाएंगे। पहले अगर सिर्फ 120, सबसे सादा बीएस में क्या होगा, अब हमें तो बहुत आसानी से पता है, जनरल के तो 30 काउंट किए थे वो निकल गए, 12 जो थे आपके उसके थे माइनर के थे वो निकल गए, तो 78 हो गए, ठीक है। अब क्या हो गया, उसके अलावा जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आपने ना 12 जहाँ पे भी माइनर है वहाँ 12 लगाई जाएँ, और दूसरा जो है जहाँ मेजर है वहाँ 78 लगाए जाएँ, तो आपको इस तरीके से निकल आएगा। जहाँ जनरल एजुकेशन तो सब में 30 30 30 देखें, सब में आ रहा है, ठीक है, टोटल 120 132 144 198, तो आप देख लेंगे 30 30 30 सब के माइनस कर रहे हैं वो जनरल एजुकेशन के, और 12 12 12 12 किसके कर रहे हैं, माइनर के, और जहाँ 12 है तो वो 12 आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो इसके हमने देखा था ना कि वो इस तरह से आ रहे हैं, ये देखें जनरल एजुकेशन के शुरू में ही उन्होंने बता दिया, ये देखें मेजर के 78 और माइनर के 12, और बाकी जो रह गए ना इंटर्नशिप और कैपस्टोन प्रोडक्ट वो उनके अलग अलग हो गए। अच्छा, इन्होंने मज़े की बात ये है कि जो मेजर है ना वो और कैपस्टोन प्रोडक्ट मिला के बन रहे हैं आपके 78, ठीक है ना, वो दोनों मिला के बन रहे हैं। अच्छा, मेजर में दोनों चीज़ें आ गई हैं, 78 अलहदा से नहीं है, 72 प्लस वो आ गए ना। अच्छा, अब ये हो गया, ये देखें अब मेजर है ना, मैं आपको दिख बता रही हूँ 72 है, तो ये 72 जो है मेजर का है, तो उसमें बाकी जो 3 और 3 आ रहे हैं ना, 6 वो एक इंटर्नशिप वाला, और 3 कैप्सन प्रोडक्ट, और 3 जो है कोर्स जो क्लास में पढ़ाए जाएंगे वो 72 होंगे। तो लेकिन जो 3 कैप्सन प्रोडक्ट और 3 उसके हो गए क्या कहते हैं उसके काउंट होंगे इंटर्नशिप के, ठीक है, तो टोटल 78 होंगे मेजर के, हर चीज़ मिला के, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेजर के हर चीज़ मिला के 78 होंगे। अब आई रिपीट के 4 तरह के BS हैं, सबसे छोटे वाला 120, उससे बड़ा 132, उससे बड़ा 144, उससे बड़ा 198। सबसे छोटे वाला 120 का मकसद क्या है, सिर्फ एक मेजर पढ़ के चले जाओ, ठीक है, उसमें माइनर लाजमी है पढ़ा, फिर एक मेजर एक और माइनर एक्स्ट्रा पढ़ लिया, एक माइनर तो ऑलरेडी आपने पढ़ना, एक और एक्स्ट्रा पढ़ लिया, फिर एक मेजर 2 माइनर, ठीक है, इसमें -12 -12 आ रहा है, 30 30 जनरल क्रेडिट और के हैं, और एक माइनर हर एक का लाजमी फिक्स है, और एक माइनर इजाफी जो आप रख रहे हैं, या 2 माइनर इजाफी रख रहे हैं, 2 मेजर हैं, तो आप दोनों के 78 ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब 1 मेजर हो गया, ADP का जो है वो सिर्फ 4 सेमेस्टर में होता है, 1 मेजर 1 माइनर 1 मेजर 2 माइनर 1 डबल मेजर, आसान है, एक दफ़ा माइनर लगा लें, 2 दफ़ा माइनर लगा लें, या दोनों बड़े सब्जेक्ट ले लें, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा 2 छोटे, या दोनों बड़े, ये हो गया मेजर हो गया। अब जहाँ आपने, ये बहुत आसान है,
जनरल एजुकेशन रखना है ना, तो उसके लिए आपने याद करना है क्रेडिट और 30 कोर्स 12, ठीक है, जहाँ पे आपने माइनर लिखना है या इंटरडिसिप्लिनरी रखेंगे, उसको डिसिप्लिनरी कह रहे हैं, तो वो लाजमी वाला जो डिसिप्लिनरी है उसके भी 12 क्रेडिट और 4 कोर्सेज पढ़ेंगे, और माइनर पढ़ रहे हैं ये इजाफी माइनर है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है इसमें भी 12 क्रेडिट और 4 कोर्सेज, जहाँ भी जनरल आए 30 क्रेडिट और 12 कोर्सेज, जहाँ भी मेजर आए 78 क्रेडिट और 26 कोर्सेज, सारा पुट कर देना है, मेजर माइनर जितना भी लिखा हुआ है आप देखें कोई मसला नहीं है, जहाँ मेजर है आपने 78 26 लिख देना है, जहाँ माइनर है वहाँ पे आपने 12 और 4 लिख देना है, और जहाँ पे जनरल है वहाँ पे 30 और 12 लिख देना है। तो अब ये इसको देखते हैं, अब देखें ब्लू कलर को देखें, ब्लू हर जगह आ रहा है, पहले 4 सेमेस्टर में ब्लू 12 कोर्सेज आ रहे हैं और 30 क्रेडिट, और नीला सारा का सारा क्या है, ये जनरल एजुकेशन है, 30 क्रेडिट और 12 कोर्सेज, ये सब में आ रहे हैं, किसी भी तरह का आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वही का वही आ ही जा रहा है, ब्लू आ ही जा रहा है। अच्छा ये देखिए हमारा ब्लू समझ आ गया हमें। अब इंटरडिसिप्लिनरी येलो कलर का आ रहा है, तो 12 क्रेडिट और 4 कोर्सेज सब में है, येलो, ठीक है, तो सब में है, हर तरह का जो भी BS होगा उसमें ये चेंज नहीं होना ना 30 ना ये। अब सब में मेजर जो है 26 कोर्सेज गिनने बन रहे हैं, सब में 26 भी फिक्स आ रहे हैं, ठीक है, सिवाय किसके, ADP में आप देख रहे हैं ADP ने नहीं इतना किया, ADP ने कितने कोर्स पढ़े हैं, 4 और 3 9 जो है वो ऑलमोस्ट मोर उसके कोर्स पढ़े हैं, ADP का थोड़ा सा फ़र्क है, 9 कोर्स मेजर के पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देख लेंगे मेजर पहले से ही, यानी ग्रीन कलर पहले सेमेस्टर से शुरू हो गया, एक बात ये नोट करने वाली है। दूसरा ग्रीन के 26 कोर्सेज हैं BS में, सादा BS में, ठीक है, अब डेफिनेटली जब सादा BS है तो उसमें तो 26 कोर्स हैं, 78 क्रेडिट और है पूरा हो गया, और जो ADP है उसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 9 कोर्स पढ़ रहे हैं मेजर के, और बाकी जो है जनरल एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी वो चला गया, ADP वाला राइट साइड वाला ADP वाला छोटा है, और लेफ्ट साइड वाला सादा BS है 120 क्रेडिट और वाला। अच्छा अब आगे चले जाएं, ज़रा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये वो सेमेस्टर है कि 1 मेजर और 1 माइनर या अकेला मेजर वाला वही सादा हो गया, ठीक है, उसके साथ 1 माइनर आ गया, 1 माइनर में आप देखें इजाफी उन्होंने पीच कलर के दिए हुए, ये क्या है बेसिकली, ये वही 4 एक्स्ट्रा इंटरडिसिप्लिनरी और 12 क्रेडिट और, जहाँ माइनर होगा 4 कोर्स लगा देंगे 12 क्रेडिट और डाल देंगे। तो ये देखें अब जहाँ जहाँ माइनर है, देखें 2 माइनर हैं पिंक और फिरोजी रंग का कलर जो दिया हुआ है ना, ये 4 जो हैं ये माइनर हैं और 7 ये आ रहा है, तो इस तरह से हमारे बड़े आराम से आ जाएंगे। अच्छा अब डबल मेजर जो है उसमें उनको ग्रीन को भी चेंज कर लिया, देखें डबल मेजर में क्या आ गया, डबल मेजर का देखें इतना सारा भर देना है आपने, अब क्या है 30 क्रेडिट और फिक्स नीला रंग, येलो कलर क्या आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी वो भी लाजमी है, और फिर मेजर जो है वो सारा शुरू हुआ था 26 ग्रीन है और 26 जो है पिंक है, राइट साइड पे देखें राइट साइड वाला, तो आप देख रहे हैं डबल मेजर में 26 26 वो हो गए हैं और 4 4 वो हो गए हैं और 12 कोर्स नीले रंग के हो गए हैं, जनरल और माइनर वाले 4 4 हो गए हैं 12 क्रेडिट और के, और 26 26 ये हो गए हैं। तो इस तरह एक ही रूल याद रखना है, कोई एक ही चीज़ याद कर लें, मेजर के नाम के साथ क्रेडिट और कोर्स याद कर लें, माइनर के नाम के साथ क्रेडिट और कोर्स याद कर लें, बस जहाँ जितने नाम आए उतने डाल के आपने बना देना है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ का रट्टा लगना चाहिए। और ये जो है वेल राउंडेड एजुकेशन दैट इंक्लूड्स बोथ जनरल एजुकेशन, अच्छा इसका काम क्या है, जनरल भी मिल जाए स्पेशलाइज भी मिल जाए, और बच्चा जो है उसके लिए डबल मेजर ये भी उसकी मर्ज़ी है, वो बर्डन उठा सकता है तो करे, नहीं तो नहीं, और इसका ब्रॉडन हो जाए अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा चीज़ें स्किल सीख ले, ज़्यादा कोर्स में MSc कर ले, एक ही दफ़ा में 2 2 MSc हो गई ना उसकी, BS हो गया, तो इस तरीके से तो ये कैरियर के लिए अच्छा होगा कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड टू रिव्यू देयर सर्कुलर थ्रू द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या बोर्ड ऑफ F जो है इसका मतलब पता नहीं क्या है, टू इंश्योर दे प्रोवाइड कोर्सेज दैट कंप्लाई विद द न्यू गाइडेंस, ठीक है, तो ये हो गया। तो UEP जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी है और उसके बारे में ये सारा कुछ बताया हुआ है, इसकी जो है फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है और ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। बस थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।